ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते साल 14 फरवरी को कश्मीर घाटी के पुलवामा सेक्टर में हुए आतंकी हमले को आज एक पूरा साल हो गया है। हर शख्स अपने इन वीर बलिदानियों की चिताओं पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर के तमाम शहीदों में से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के जवाली से तिलक राज ने भी आज ही के दिन शहादत पाई थी। बीते साल 14 फरवरी को कश्मीर घाटी के पुलवामा सेक्टर में हुए आतंकी हमले को आज पूरा एक साल हो गया है। देश की बलि बेदी पर शहादत पाने वाले तमाम वीरों की चिताओं पर आज मेला लगा हुआ है। हर शख्स अपने इन वीर बलिदानियों की चिताओं पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर के तमाम शहीदों में से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के ज्वाली से तिलक राज ने भी आज ही के दिन शहादत पाई थी। उनकी शहादत पर उस वक्त समूचा प्रदेश रोया था और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके पैतृक गांव देवा में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था। बकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वर्तमान सांसद किशन कपूर ने भी देवा में आकर शहीद तिलक राज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज एक बार फिर शहीद के घर में उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। बीते दिन यहां कश्मीर से शहीद तिलकराज की ही बटालियन के अधिकारी और सैनिक देवा आकर उनके पैतृक गांव की मिट्टी लेकर गए हैं, ताकि कश्मीर के पुलवामा में शहीदों के स्मृति चिन्ह उन्हीं के गांव की मिट्टी के जरिए बनाए जा सके और हर साल उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा सके। तिलकराज की शहादत के वक्त प्रदेश सरकार ने अपने वीर बलिदानी को हमेशा अमर बनाए रखने के लिए उनकी चिता के समक्ष उनके इलाकों के लोगों के लिए हर सुख सुविधा मुहैया करवाने का प्रण लिया। शहीद की धर्मपत्नी सावित्री देवी को सरकारी ओहदे पर आसीन करने का फैसला लिया। महज एक साल के अंतराल में आज सावित्री देवी को सरकार ने वायदे के मुताबिक एक सरकारी महकमे में नियुक्ति प्रदान कर दी है। कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से अपने देश के वीर जवानों के पीड़ित परिजनों का ढांढस बढ़ाने के लिए उन्हें दिल खोलकर दान भी दिया, लेकिन सरकार ने जो शहीद के इलाकों में सुख सुविधाएं मुहैया करवाने का आज से एक साल पहले प्रण लिया था, उनमें से आज एक भी जगह नया पत्थर नहीं लगा। ज्वाली के देवा गांव के स्कूल को प्रमोट करने की बात कही गई थी। शमशान घाट का रास्ता पक्का करने का वादा किया गया था। शहीद के घर तक पक्की सड़क पहुँचाने का भी प्रण लिया था। शहीद के बुजुर्ग अभिभावकों को पेंशन लगाने की बात कही गई थी। आज न शमशान घाट का रास्ता पक्का हुआ, न स्कूल प्रमोट हुआ, न सड़क की पहुंचे। हाँ, कुछ खास मौकों पर ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह जरूर शहीद के घर पर दस्तक दे जाते हैं और पीड़ित परिजनों को पूर्व में किए गए वायदों के मुताबिक काम करने का आश्वासन दे जाते हैं। काबिले गौर है कि इससे पहले भी कई हमलों में कांगड़ा के कई वीर जवान शहादत पा चुके हैं। महज चार साल पहले पठानकोट हमले में शहीद हो चुके द्रमण के संजीवन राणा का परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। बावजूद इसके आज दिन तक उनके परिवार को ना तो सरकारी नौकरी दी गई है और ना ही तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए वायदे पूरे हो पाए हैं। हर बार वायदों को पूरा करने वाली बदलती सरकारों के नुमाइंदे उनके जख्मों पर मरहम लगाने और सियासी रोटियां सेकने जरूर देर सवेर उनके घर पहुंच जाते हैं। फिलहाल शहीद तिलकराज का मामला चूंकि ताजा है, इसलिए हर शख्स सरकार की कथनी को करनी में भी तब्दील होने की आस बांध के बैठा है। उम्मीद है कि पुलवामा हमले की अगली बरसी तक सरकार अपने तमाम वायदों में से कुछ को जरूर पूरा कर चुकी होगी, ताकि उनकी करनी कथनी पर दोबारा सवाल न उठ सके। नमस्कार, मेरा नाम सावित्री देवी है। मेरे पति 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। मुझे गर्व है अपने पति पर कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। मेरा परिवार आगे भी इसी तरह देश की रक्षा करेगा और मैं चाहती हूं कि अगली पीढ़ी भी सेना में भर्ती हो और इसी तरह देश की रक्षा करे। धन्यवाद। अंकल जी, ये बताएं आप, जो सरकार ने पिछले साल आपसे वादे किए थे उसमें से उसके ना सरकार अच्छे सरकार आज नहीं आ गई तो उन्होंने बोले सब कम थोड़ा हो जाएगा, श्वान घाट बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, गेट के बारे में गेट बन जाएगा, है नी सड़क सड़क पाँच सड़क होता है चौदह चक्के ये रो रही थी अगर रो रहा है तो वो बन जाएगा, कहने माता पिता की पेंशन लग जाएगी, है ना, पैसा मिल जाएगा, तब 5,000 5,00,000 रुपये देंगे उस वक्त
उसके बाद 15 लाख हो गया बस। उसके बाद कोई नहीं आया क्या? उसके बाद कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया उसके बाद। बाकी वो ग्राउंड गेट कुछ नहीं बना? नहीं बना, गेट बनना था। गेट वो सोच बोले ना, बोल के वो सोच रहे थे गेट बनेगा, ग्राउंड बनेगा, सब कुछ बनेगा। हमने एक बात और भी हमने तय की है कि जो स्थानीय विधायक और यहाँ हमको गांव के लोग भी मिले कि एक पाठशाला है यहाँ पर, राजकीय माध्यमिक पाठशाला देवा, जिसमें उनने शिक्षा ग्रहण की है, उस मिडिल स्कूल का नाम उनके नाम से करेंगे। और साथ साथ में आग्रह आया सब लोगों की ओर से कि यहाँ से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल के लिए दूर जाना पड़ता है, और उस मिडिल स्कूल को भी अपग्रेड करके हाई स्कूल करने का भी हमने फैसला लिया है। इसकी बहुत जल्दी हम सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।